मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लकी हिमाचल। काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी हूँ मैं सोलन में, सोलन के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करूँगा। आप लोगों को ले जाऊँगा जोड़ जी के मेले में, काफ़ी ज़्यादा फेमस मेला होता है वहाँ पे। हालांकि मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब है जिसकी वजह से मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो जो है वो नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो जो है वो मेरे फ्रेंड के फ़ोन से बना लूँ और उसके फ्रंट कैमरे से बना लूँ, ताकि आपको मैं विजिबल भी रहूँ साथ में, और बैक कैमरे से तो जो क्लिप्स है वो बन ही जाएगी। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ का, कोटला नाला का जो है, ये फोटो ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। हिमाचल उत्सव यहाँ पर उसे फेमस करवाया जाता है। तो चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत और आपको ले चलता हूँ जोड़ जी के मेले में। काफ़ी अच्छा ही ब्लॉग रहने वाला है आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी आपको आप मुझे बता सकते हो। सोलन का सबसे फेमस मेला ये जोड़ जी का मेला रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ के बाद यहाँ का विज़िट कर रहा हूँ आज, और आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ। मोस्टली उन लोगों के लिए जो हिमाचल से बाहर रहते हैं, क्योंकि हिमाचल वालों को तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ से होके मैं जाना पड़ेगा अंदर। मतलब हम जा रहे हैं जोड़ जी, और अभी आप देख सकते हो यहाँ आगे जो ये बंदा खड़ा है ना, ये इसका नाम शुभम है, और काफ़ी अच्छा बच्चा है। जाके मिलते हैं इससे। हेलो मिस्टर शुभम, हाउ आर यू? फाइन, यू आर वेटिंग फॉर मी? या या, ओके लेट्स गो। आई मेट माई ओल्ड एज फॉर वेटिंग यू। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम आज? तो आज हम जाएंगे मेले में। मेले में? कौन से मेले में? जोहड़ जी के मेले। जोहड़ जी के मेले में जाएंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों वहीं पे। एड्रेस नहीं है, बिहार के हैं। पूछिए जरा, ए भैया कहाँ से हो? आजो आजो। ऐसा थोड़ा ना होता, ईस्टिंग ईस्टिंग भी हो गए, लाए हैं ऊपर दुकान से। देखिए हमको वायरल कर रहे हैं। वायरस कर रहे हैं वायरस? अरे छोड़ दीजिए, सुनो भैया है, चलेंगे। मैं शर्मा रहा हूँ, ईस्टिंग लेके खड़े। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच गए हैं मेले में, ऐसा पसंद है, चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। लेकिन भैया कैसा लग रहा है मेले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आए? पहले नहीं आया। अच्छा, पहले आप इस तरह के मेले में नहीं आए? जोड़ जी के मेले में भी उसी तरह के मेले होते हैं। खैर, ये जोड़ जी का मेला ना बहुत ही फेमस मेला है, और मतलब बचपन से ही हमारा बचपन ना इन मेलों में मतलब गुजरा हुआ। यहाँ से हम जो सामान लेते थे वो पूरा साल चलाते थे। उनके बारे में यहाँ पे गुरुद्वारा है, उसके नाम पर ही यहाँ पे मेला होता है, और गुरुद्वारे की वजह से ये फेमस है सारा। गुरुद्वारा यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वो नीचे हरिपुर पट्टा है, हिमाचल में ही आता है। तो वहाँ की एक शाखा है ये गुरुद्वारा, तो यहाँ पे नीचे पंजाब के लोग जो होते हैं वो आते हैं, और यहाँ पे जो लंगर होता है उसका जब तक मेला खत्म नहीं होता तब तक खत्म। तो क्या है कि आप मतलब मेले में घूम रहे हो तो आप खाना भी खा सकते हो, लंगर भी चख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने।
आपको आगे वाला व्यू दिखा देता हूँ मेले का, किस तरह से है, किस तरह की हलचल है, क्या चीजें रहती हैं, क्या नहीं है। गुरुद्वारे का व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा औसम है, और नीचे जाके कैमरा अलाउड नहीं था, तो अभी हम एक पर्टिकुलर एक जगह पे आ गए हैं जहाँ से कि मैं पूरा शूट लूँगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ से पूरा व्यू रहता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं अभी, ये वो तालाब है जहाँ पे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जो है जंगल में जा रहे थे। मतलब जब उनको प्यास लगी तो वो पानी लेने यहाँ पे आए, तो राजा दशरथ जब जो है वो शिकार करने आए और उन्होंने जब पानी की आवाज़ सुनी, उन्होंने सोचा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, और उसी की आड़ में जो है उन्होंने जो है वो क्या कर दिया, तीर चला दिया और वो श्रवण कुमार को लग गया। इस तरह से जो श्रवण कुमार की जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यही वो तालाब है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यही वो तालाब है जहाँ पे जो है वो श्रवण कुमार की मेले का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की कुश्ती, और कुश्ती देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और मेन जो अट्रैक्शन है मेले का वो कुश्ती ही है। तो सोनू भाई का कहना ये है कि अगर मैंने वो चीज़ देख ली तो शायद मैं कभी वो चीज़ कहीं और देख नहीं पाऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की कुश्ती भी कैसी होती है, पूरा व्यू दिखाऊंगा वहाँ को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिले।
तो बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज के मेले का, और कुश्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया शुभम के साथ और सोनू भाई के साथ। अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर वापस, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, शुभम के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार।